हेलो हेलो। जी भैया, नमस्कार। मैं आकाश शुक्ला बात कर रहा था। हाँ नमस्कार। भैया, एक हमको वीडियो मिला था अभी, जिसमें हम देख रहे थे कि एक आदमी है, आपको धमकी दे रहा, अपना लोकल लैंग्वेज में मारने वगैरह का। वो कह रहा है कि इस ओल्ड डूम को मिलने से वो मार देगा और काफी कुछ धमकी दे रहा है। आप भी शायद वीडियो देखा होगा, तो हाँ, अरे हम जी, बोलिए। इसके बारे में क्या कहते हैं? मतलब टारगेट कर रहा है निशी को भी काफी कुछ ऐसा करके कि आप वो कर रहे हैं, तो उस टॉपिक को मारने का धमकी दे रहा था। क्या बोलेंगे इसके बारे में? देखिए, हम उस विषय में ज्यादा कहना नहीं चाहते हैं। एक एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल का तौर पे बताएगा। कोई जब हवा आता है, जी हवा जी आता है तो पत्ता हिलता है। हाँ, पत्थर नहीं जी हिलता है। जी बहुत लोग धमका रहे कि मार पीट करके। 2-3 वॉइस मैसेज हमको भी आया है, ऐसा पर्सनल मैसेज में आया है, तो मारेगा पीटेगा बोल के, मारदार करके मार के काल दून के मार के फेंक देगा। ऐसा तो हम कहीं जाता नहीं है, घर में ही अगर मारना है तो आ जाइए। दूसरा बात, ये जो डिस्ट्रिक्ट इंटरप्रेनर का बात बोलने से, देखिए यहाँ में कुछ जो कुछ लोग हैं कुछ, हाँ और अपना बेनिफिट के लिए बस कुछ कर रहा है। हाँ आप एक बार सोचिए सोचिए कि इस डिस्ट्रिक्ट इंटरप्रेनर में, अगर आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे बताएगा, अभी रिसेंटली हमारा बामिन का जस्ट सामने में, 20 किलोमीटर का सामने में एक तो थाजोलंग डिस्ट्रिक्ट कुला है। अगर डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेनर होता है बोलने से, फुलटा है बोलने से, वहां में एक भी सजोलन का आदमी काम नहीं मिलेगा। हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट का निशीर छिलेगा, हम लोग सिपा का बामिंग का आदमी स्पेशल छिलेगा। उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेनर होता है बोलने से, इस कामिंग का लोग जाके वेस्ट कामिंग का आदमी का काम छीनेगा। देखो, आप सोच के देखिए, करोड़ करोड़ 10-20 करोड़ 1,000 करोड़ को तो बाहर का आदमी काम करता है तो, लेकिन हाँ जो 10-20 हजार रुपया होता है, 1-2 लाख रुपया होता है, उसको तो कम से कम अपना जो लोकल बेटा है उसको करने दो ना। और जब लोकल बेटा है तो इतना डेवलपमेंट करते हैं, निजी जगह में भी काम आते हैं लेकिन डेवलपमेंट होता नहीं है, और दूसरा जगह में इतना डेवलपमेंट हो रहा है। आप क्रोनकमो और ये क्या बोलता है वो, जीरो को कंपेयर कीजिए, कितना डिफरेंस है। इस कमिंग और वेस्ट कमिंग को कंपेयर कीजिए, कितना डिफरेंस है। आप जो ये क्या बोलते हैं, और पपम पारे, और पपम पारे ये पपम पारे क्या तरह वो, क्या तरह, एक तो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसको, और ये आलो को कंपेयर कीजिए। इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि बाकी ट्रैक कुछ नहीं है, और निशी भी आधा लोग कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें 2-3 आदमी का बेनिफिट के लिए, नाम कमाने के लिए कर रहे हैं, तो हमारा कुछ कुछ निशी लोग उल्टा हमको धमकाता है। और आपको हम ये बात बता दूं, सोशल एक्टिविस्ट का कोई पर्सन ये प्रॉपर धर्म नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट का कोई प्रॉपर जात नहीं है। अगर हम सोशल एक्टिविस्ट बनना है तो हमें सबके लिए इक्वल देखना पड़ेगा, लेकिन भैया, चाहे वो इसमें नॉन क्या हो रहा है ट्राइबल ना हो। कि इसमें क्या हो रहा है कि जो CPWD का गाइडलाइंस है ना, जी जी उसके जी अकॉर्डिंग तो ये, क्योंकि कोई भी स्टेट का असेंबली जो है उस चीज को, रूल को पास नहीं कर सकता जब तक उधर से ना हो जाए ना। जी जी और इसमें क्या है, कभी इसमें कोई PIL भी किया हुआ है जो आपका डिस्ट्रिक्ट वेस्ट इंटरप्रेनर वाला है? इस पे तो ऑलरेडी PIL भी किया गया है ना, तो PIL में तो राज्य सरकार इसको तो लागू भी नहीं कर सकता ना, इसको खत्म कर पाए, क्योंकि तो कोर्ट का मामला हो गया ना। हमने इस चीज को देखा भी था। हाँ, ये तो आप सही बोल रहे हैं। यहाँ में तो ऑलरेडी हम भी सुन रहे हैं कि इसको तो PIL भी फाइल करके रखा, उसको तो उठाना। ये एक एक आदमी को, मैंने ऐसा है कि हमारे निशी ट्राइब को यूज कर रहे, 2 आदमी जो निशी का नाम को यूज कर रहा है, उस चीज को निशी का लोग भी जानना चाहिए। ऑलरेडी कोर्ट में है, अभी जो कोर्ट का चीज को तो PIL फाइल करके रखा, तो उसको भी राज्य सरकार कुछ नहीं बोल सकते, सेंट्रल सरकार भी कुछ नहीं बोल सकता है। उसको कोर्ट, जैसे ही कोर्ट जो बात को आएगा, कोर्ट से जो ऑर्डर निकले वही होगा ना। लेकिन भी उसको जबरदस्ती करके पब्लिक को ऐसे बना रहा है कि ये है वो है ये है। और इसमें दूसरा दूसरा है, लेकिन एक सवाल यह भी था भैया ना, क्योंकि क्या है कि हम जैसे लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी आके ईटानगर में रहते हैं, ठीक ठाक अपना काम करते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं। तो कल को क्या होता है कि वो लोग भी, जैसे टेंडर का कुछ प्रोसेस होता है, अगर उनके पास वो क्षमता है, वो लोग का अपना सॉल्वेंसी वगैरह बना रखा, प्रोसेस है, वो कॉन्ट्रेक्टर है, तो क्या होता है कि यहाँ रह रहे होते हैं, उनकी पूरी फैमिली यहाँ होती है, तो वो यहाँ से आसपास का अपना टेंडर को कैश कर लेते हैं, क्योंकि वो किसी दूसरे बस्ती से होते हैं। एग्जाम्पल रूप में सेप्पा का कोई आदमी ईटानगर में रह रहा है, कैपिटल रीजन में रह रहा है, तो अगर यहाँ में कैपिटल रीजन में कुछ काम होने से, तो क्या करता है कि यहाँ टेंडर मार देता है, अपना काम कर लेता है, क्योंकि उसका फैमिली तो ईटानगर में रह रहा होता ना, वो सेप्पा को तो छोड़ चुका होता है। अगर इस तरीके का रूल बना दिया जाएगा तो उसको, तो उसके लिए फिर वापस जाना पड़ेगा अपना बस्ती में, वहां जाके काम करेगा वो। फिर भी क्या होगा कि उसका परिवार या उसका जो सारा काम धंधा तो इधर में चल रहा होता है, तो फिर उसको वहां नहीं जाना पड़ जाएगा, और फिर यहां में ये भी तो दिक्कत पड़ेगा ना इसका। नहीं, एक्चुअली ये डिस्ट्रिक्ट इंटरप्रेनर माने ऐसा ऑल, जैसे कि हम
ये छोटा छोटा काम को, जैसे कि हम मान लीजिए हम जीरो में है, तो क्या होता है कि जीरो जो जीरो का लोग जो क्या करता है, कि वहां में छोटा छोटा काम आता है वो लोग कुट कर लेता है, और वो लोग करता भी और डिप्लोमेन भी होता है। आप जीरो का होंग बस्ती में जाइए, होंग बस्ती जो बस्ती नहीं है, एक ऐसे लग रहा है कि मैंने एक मेरा टाउन का रास्ता से अच्छा है, ठीक है, करुंग कम टाउन का रास्ता से अच्छा है, करांदानी टाउन का रास्ता से अच्छा है, हजीपा का टाउन का रास्ता से अच्छा है, एक जीरो का होंग बस्ती का जो। तो अगर मेरा आदमी वहां जाके काम करेगा तो ठीक होगा क्या? नहीं होगा ना। और रहा कैपिटल का बात, जो आप जो बोल रहे, कैपिटल में तो ओवरऑल कर सकता है क्योंकि वो कैपिटल जो किसी का नहीं है, लेकिन हम नहीं, पापुम पारे के अंदर तो उधर में आ जाएगा ना, पापुम पारे पापुम डिस्ट्रिक्ट पारे में तो। का अंदर में कोई कोई भी आदमी नहीं कर सकता है कि वहां में गलो आदमी और ये आदि आपातानी और दूसरा वो डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि हम यहाँ है, हम नहीं कर सकते है। हाँ, दूसरा साथ कर सकते हैं, वो अलग नहीं कर सकते हैं, वो आपको ये आप लोग ये बात को भी अच्छे से जानना है। और अगर डिस्ट्रिक्ट इंटरप्रेनर को ओपन कर दिया बोलने से, देखिए हम बार बार बता रहे हैं कि हमारा इस अरुणाचल डूब जाएगा, और हमारा अरुणाचल में अभी भी बहुत जो है, देखिए जीरो है, टूरिज्म प्लेस है ऐसा, तो उससे टूरिज्म अच्छा, तो हमारा करानानी बहुत अच्छा है, करुण कमर जो करुण कमर में बर्फ गिरता है बहुत अच्छा है, करुण कमर बहुत अच्छा है जीरो से। हाँ, क्यों वहां नहीं जाता है? रास्ता ठीक नहीं है, लाइट ठीक नहीं है, नेटवर्क ठीक नहीं है। तो रास्ता और नेटवर्क को लाइट को कौन आदमी कॉन्ट्रेक्ट करता है? वहां का लोकल लोग। क्यों डिप्लोमा नहीं है? वो लोकल का प्रॉब्लम है ना। लेकिन एक चीज इसमें यह भी तो उठेगा ना भाई, अगर इस चीज को आप थोड़ा देखें, क्या होता है यहाँ में कि बहुत सारा जैसे ऑफिसर लोग क्या होता है, वो अपना फैमिली या बाकी चीजों के नाम पे कांटेक्ट कर देते हैं। इसमें क्या होगा कि जो लोकल अगर वो कोई करेगा तो उसमें क्या कि जो एक लोकल एमएलए मिनिस्टर रहेगा ना, इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी हो, वो ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें क्या बनाएगा कि वो लोग टेंडर उसी को अप्रूवल कराएगा, क्योंकि इसमें तो 1 से 10 करोड़ तक का है जो अपना विधानसभा असेंबली वाला कर सकेगा ना, तो उसमें क्या होगा कि वो टेंडर को उन्हीं को अप्लाई वो करने देगा जिसने उसको वोट दिया होगा, जिसने वोट ही नहीं दिया होगा तो उनको करने ही नहीं देगा, वो उसका भी तो वो करेगा ना, विरोध करेगा ना ऐसे में वो, क्योंकि ना वही तो वो तो हम उसका अपना रोल हो जाएगा ना। तो डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई ऐसे में क्या होगा कि कोई अगर पूरा अरुणाचल को लोग उसमें टेंडर मारेगा तो जो अच्छा होगा, अच्छा क्वालिटी वाला काम कर सकेगा, और जो उसको जानकारी ही नहीं होगी, अगर एक मान लीजिए किसी असेंबली में किसी के पास 10 करोड़ ही ना हो, ऐसा भी होता है ना, तो वहां में क्या होगा कि वो लोकल जो अपना वहां का एमएलए लोग वही उस चीज को तो पूरा वो करेगा ना, उस पे तो रूल वही करेगा, उसका नियम तो बनाएगा, उन्हीं का जान पहचान वाला टेंडर मार पाएगा, तो बाकी लोग तो नहीं वही कर वही सकेगा वही ना। वही हम बोल रहे हैं कि अगर दूसरा होता है बोलते क्या होता है, बाकी का आउटसाइडर का लोग, जैसे कि हम मान लीजिए हम कोई एमएलए को हम 1 लाख 2 लाख रुपए इलेक्शन में मदद किया, तो बाहर का आदमी आके फिर वहां में काम करना, तो देखिए यहाँ में जो बाहर से आता है वो काम ढंग से नहीं करता, हम बता रहे हैं, हम बिल्कुल ढंग से नहीं करते हैं। जब लोकल आदमी को कोई लोकल आदमी अगर टाइट करके काम करता है तो वो अच्छा होता है, लेकिन बाहर से आने वाला जो ना वो अच्छा से नहीं करता है। और आपको हम देख एग्जाम्पल के तौर से, आप जो आलो जाता है, अब आलो का स्टेडियम दिखा है वो फुटबॉल स्टेडियम, हाँ तो अब आलो का फुटबॉल स्टेडियम को आप कभी दिन रिपोर्ट वहां वो बनाई है, आलो का फुटबॉल स्टेडियम जो देखो बर्बाद हो गया, कौन काम कर रहा है? हमारा निशीलो बर्बाद। आप पूछ सकता है हमारा लोकल निशीलो ही वहां में टेंडर मारा उस समय में, आज से 5-6 साल पहले बर्बाद करके रख दिया। तो ऐसा करके बहुत ऐसे कुछ कुछ होता है, तो इसलिए इस चीज को हम लोग जानना बहुत जरूरी है, जो ये क्या बोलता है काम को, तो हम यही अभी भी हम मानते हैं। और सेकेंडली बात, जो आपका जो बन कॉल हो रहा है, देखिए अगर ग्रेटर इन्फ्लुएंस में था बोलने से, इसको आदि आदमी क्यों सपोर्ट नहीं दिया, अलो गलो आदमी क्यों सपोर्ट नहीं है, तागिन क्यों सपोर्ट नहीं दिया, मीजी आका आका प्रोजेक्ट नुक्ते वांगचू क्यों सपोर्ट नहीं दिया? आप एक ही ट्राइब जो सब आदमी को रूल नहीं कर सकेगा ना, रूल नहीं कर पाएगा, नहीं 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 सही बात। तो इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं, अगर ये ग्रेटर इंटरेस्ट से बोलने से तो सब हर कोई सपोर्ट करना चाहिए था। अगर डिस्ट्रिक्ट इंटरप्रेनर को अगर सब पसंद करता है बोलने से, अधि गलो आपाता मेजी आका मुम्पा सरदो पेन प्रोइग उसका बाद तागिन नुक्त वांगचू, ये लोग क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है, उन्हें इसका किसने इसका भी तो सपोर्ट? रीजन ना, क्योंकि आपका यहाँ पे देखो तो मेजर ट्राइब जो आपका यहाँ पे पॉपुलेशन है तो उसमें अधिकतर तो सबसे ज्यादा तो निसी है ना, वही आप तो लोग हम का बोल रहे हैं पॉपुलेशन, तो इसका वही, सबसे लेकिन ज्यादा जिसका परिवार होता है उसको तो ज्यादा दर्द होता है ना, उसका अगर वो डिस्ट्रीब्यूट बंटवारा होने नहीं, लगता हम है लोग तो। जीना, हम लोग है ना, हम लोग को देखो एक साथ जीना है, ठीक है, हम किसी को दबा के जिंदगी नहीं जी सकते, ये जिंदगी 2 पल का है, यानी कि 10 ज्यादा 40-50 ईयर्स जिएगा, ठीक है, 40-50 ईयर्स जिएगा, उसमें हम किसी को दबा दे के किसी को अंदर झुका के क्या मिलेगा? हम इंसान नहीं, हम इंसान है, इंसान की तरह सोचो, हम जानवर नहीं है जो हाथी ऐसे को कुचल के चला जाएगा, हाथी भी जब किसी को कुचलने के लिए करता है तो पहले पैर आगे उठाता है, कुछ जान नहीं चल रहा है। अगर शेर है बोल के जंगल का हर शिकार शिकार को मार देगा तो जंगल में शेर आके लड़े के क्या करेगा, मजा ही नहीं होगा। तो सबका साथ रहना है ना, सबका साथ हमको जीना है,
आप हम सब मेजर ट्राइब है बोल के हम सबको दबाएगा, ये तो हम इसको नहीं मानता है। हम मेजर, हम सबसे बड़ा ट्राइब है, हम सबसे बड़ा आजाद है, मेरे पास पैसा है, रुपया है, हम सबको दबाएगा, हम वो चीज को नहीं मानता है। हम एक इंडिविजुअली सोल डोदम ये सोचता है कि हर किसी को बराबर जीना है। हम अभी तक किसी क्यों नॉन ट्राइबल को भी हम झगड़ा नहीं करते, नॉन ट्राइबल क्यों हम गाली नहीं देते, वो भी तो इंसान है। जी। कोई बाहर से आया है कमाने के लिए आया है, उसको लेबर लोग कमाने के लिए आया, पैसा उसका कमाने के लिए आया, उसको हम एक दो थप्पड़ लगा के पैसा नहीं देके भगा देते हैं, क्या उसका बीवी बच्चा नहीं है? तो आप बुलाया है क्यों है? आप कुछ करना चाहिए था काम नहीं है? अभी बहुत सामा निशी निशी आदमी आधी को शादी के, गलों को शादी के, तगिन को शादी के, मुम्पा को शादी के, और मीजी आकार हर जगह को शादी करके रखा है। तो शादी नहीं करना चाहिए था निशी लोग, वहां भी बेचना नहीं चाहिए था। तो आप बोझ है तो आप अपना आपस में शादी कर लो। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप जो जैसे एंटरप्रेन्योर बोलने से बाकी लोग कुछ नहीं है, आप उस चीज को भी सोचना है। अब अगर ये क्या हुआ? और दूसरी बात लामतासी का बात बोलता, देखिये लामतासी कोई ऐसे बहुत बड़ा वो वहां से सड़क ये क्या बोलते आसमान से उतार वाला परी नहीं, आसमान एंजल नहीं है वो। उसको कोई सीएम जितना भी करो बोला, सीएम भी करो बोला। अगर आप लोग झगड़ा करना है तो सीएम को करना चाहिए था, लामतासी से क्या जरूरी था, है ना? तो लामतासी सिर्फ एक ओएसडी है, चाहने से वो काली हाथ जाएगा। सीएम चाहता है तो ओएसडी से उसको काली निकाल देगा, क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए इस चीज को नहीं जान के कोई कोई लोग बोलते हैं कि लामतासी ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, निशी को ही लेके उठा रहा है, इसको हम गलत मानते हैं। आपको जो धमकी दिया गया आपने उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट वगैरह कुछ कराया? नहीं, क्यों करेगा? हम आपको नहीं, फर्स्ट में शुरुआत में नहीं बोला है क्या? ये हवा, जब हवा चलता है तो पत्ता हिलता है। फिर भी नहीं, फिर भी क्या है कि समाज के लिए काम कर रहे हैं तो तरह तरह का धमकी, और ये भी तो चीजें गलत है ना, किसी को धमकी देना ये भी तो गलत है ना, क्योंकि आप भी तो समाज का काम कर रहे हैं। अगर आपको धमकी है तो कहीं ना कहीं तो खतरा होता है ना, ये चीजें तो होता है। इसमें क्या लोग पुलिस कंप्लेन तो कर ही देता ना कि उससे खतरा है, पुलिस का भी काम होता है उस चीज को जाके समझौता करा देना, उसको समझा देना है, समझा बुझा देना। देखिए अगर वो हमको मर्डर करेगा, अगर वो हमको मार देगा, हम मर जाएगा, लोस किसका होगा? हम तो मर जाएगा, ठीक है, हम मर जाएगा, हम तो पता ही नहीं चलेगा जिंदगी क्या जी रहा है। कम से कम दो दिन तो मेरा नाम चलेगा ना, उसका ट्राइब का, उसका सोसाइटी का बदनाम होगा, पहला बार। दूसरा बार वो जेल बैठेगा 25 इयर्स मर्डर केस में ना, 25 इयर्स बैठेगा, 25 इयर्स बैठेगा, उसका बच्चा होगा, उसका बच्चा बेटी होगा, तो क्या होगा? बेटी जो गंगा में रात का 1 बजे से कराना शुरू होगा, समझ गया ना? समझ गया, समझ गया। इतना कुछ आपने उसको समझा दिया तो नॉर्मल सी बातें, वो वीडियो को देखेगा भी तो 100% वो कुछ ऐसी घटना करेगा भी नहीं और ना कभी सोचेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया, अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच।